नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अवकलन में क्या देखेंगे? फलन के फलन का अवकलज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं श्रृंखला नियम, चेन रूल। यह होता क्या है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था प्रारंभिक सूत्र के द्वारा किस प्रकार अवकलन करते हैं, प्रारंभिक सूत्र का किस प्रकार उपयोग करते हैं। दूसरी चीज आपने देखा था दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, और साथ में आपने देखा था दो फलनों के भागफल का अवकलन। आज हम लोग देखने वाले हैं फलन के फलन का अवकल गुणांक। अब देखिए कैसा होता है फलन के फलन का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब देखिए बच्चों, सपोज कीजिए, मान लेते हैं हमारे पास जो फंक्शन है किस तरीके से है, देखो, यानी इसका मतलब क्या समझे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा। अभी तो हम दो फंक्शन की बात किए हैं, हो सकता है उस फंक्शन के अंदर और फंक्शन आ जाए, उस फंक्शन के अंदर और फंक्शन आ जाए, मतलब एक ही फंक्शन में तीन चार पांच फंक्शन आ जाए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो अवकलन है, किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, आपको केवल जहां पर एक्स होता है, जैसे लॉग एक्स है, ई पावर एक्स है, ए पावर एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स के पावर एन है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, बस इसी का मालूम है एक्स एक्स। सपोज एक्स के प्लेस पर कोई दूसरा आ जावे, एक्स के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आ जावे, तो उसको किस तरीके से करते हैं, हम उसी को फलन के फलन का अवकलन के नाम से भी जानते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो आइए देखें, जब हमारे पास y इज इक्वल एफ जी एक्स है, तो इसको दो तरीके से करते हैं प्यारे बच्चों। आप क्या करोगे, इसको आप क्या मान लीजिएगा, जी एक्स को क्या सपोज कीजिए, टी सपोज कीजिए। जब आपने जी एक्स को टी सपोज किया, तो आपके पास क्या हुआ, y इज इक्वल एफ ऑफ क्या हुआ, टी। y इज इक्वल क्या हो गया, एफ ऑफ टी हो गया। अब इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये देखो, dy by dx इज इक्वल आपने क्या किया, dy by dt, और ये हो गया प्यारे बच्चों dt by dx। आपको पता है, हम यहां पर आपको बता रहे हैं इस dt को हम क्या कहते हैं, पाउडर लगाना कहते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, चेहरे में पाउडर लगाते हो तो चेहरा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, चेहरे बदलता है कि नहीं बदलता है, ठीक वही चीज हम यहां पर क्या करेंगे, डीटी पाउडर लगाएंगे, इसका चेहरा परिवर्तन होगा। आपको यह भी पता होगा कि यदि पाउडर मिटा दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, तो चेहरा रिटर्न यानी वापस मिल जाता है। यदि मैं इस पाउडर को हटा दूं यहां से, तो मुझे क्या मिल गया, यह चेहरा वापस मिल गया, यानी ये हो गया आपने जो dt का गुना किया, dt का भाग किया, उसके बारे में बता रहे हैं। तो dy by dt, और ये हो गया प्यारे बच्चों dt by dx। अब आपको क्या करना है, देखो, जो आपने जो सपोज किया, इसको आप क्या करोगे, जो चेंजिंग वैल्यू है, जो परिवर्तन वाला वैल्यू है, उसको यहां रखेंगे, ft हो गया, और dy dx आप ये हो गया बच्चों gx। अब एक चीज ध्यान देना है, यदि यहां t है तो क्या हो जाएगा, यहां t है तो क्या हो जाएगा, ये dt है। देखिए बच्चों, अब
हमने क्या किया यहां पर, dy by dx is equal dy by dt, dt by dx, आपने क्या किया, इस y का वैल्यू यहां पर ft रखा और t का वैल्यू यहां पर क्या रखा, gx रखा। कभी भी देखना प्यारे बच्चों, यदि ft है यानी t में है टर्म, t में है पद, तो यहां dt होना चाहिए, यहां x है तो यहां dx होना चाहिए, तभी अवकलन करोगे, अदरवाइज अवकलन नहीं होगा। याद रखिएगा, हम इसको सपोज करते हैं f dash t। बच्चों आपको पता है एक डेस लगाएंगे, डेस का मतलब भाई एफ टी का कोई डिफरेंशिएशन होता है क्या, नहीं होता, लेकिन हमको शो करना पड़ता है, इसलिए डेस लगा कर शो करते हैं। डेस कहता है कि एक बार आप अवकलन किया है, डेस क्या कह रहा है कि आपने एक बार अवकलन किया है टी के रिस्पेक्ट में, यहां पर हमने लगाया जी डेस एक्स और इस तरीके से आपको मिला प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा टी का वैल्यू डालिएगा लास्ट में और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, तो चलिए जल्दी नोट डाउन करें। अब इसी को मैं दूसरे ढंग से देखो क्या करूंगा, मैंने क्या किया, हां यहां तक हो गया, चलो इसी को दूसरे ढंग से और क्या कर सकते हैं। मैंने तो यहां डायरेक्ट है ना आपको dt गुना किया, dt भाग दिया, पाउडर लगा के बताया, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहां पर दूसरे ढंग से। सपोज यदि आपने gx को t माना तो क्या करोगे, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां लगाओगे dy by dx, यहां d by dx और ये हो गया ft। क्या ft का x के सापेक्ष अवकलन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है यदि t है तो dt होना यानी है ना d by dt होना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमको फिर से पाउडर लगाना पड़ेगा, आपको इसके चेहरे को बदलना पड़ेगा। आपने dt का गुना किया, dt का भाग दिया तो आपने पाया dt by dx। देखो वहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला में dt का मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया था, जो y का वैल्यू है और gx का वैल्यू यानी t का वैल्यू रख दिया था। यहां पर आपने क्या किया, देखो d by dx को आपने क्या किया, d by dt किया, और इधर ये dt by dx, तो देखो dt और dt को कैंसिल करेंगे, वापस d by dx आया कि नहीं आया, इसका होगा प्यारे बच्चों एफ डैश टी, और यहां पर टी का वैल्यू डालेंगे आपको मिला कितना, ये जी एक्स, और इस तरीके से एफ डैश टी और डी बाई डी एक्स आप जी एक्स कितना होता है, जी डैश एक्स होता है। तो एफ डैश टी, टी का वैल्यू आपके पास क्या है, टी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, जी एक्स है, और ये क्या हो जाएगा, जी डैश इंटू जी डैश एक्स होगा। तो ये इसका अवकलन होगा। तो तरीका देखो, लास्ट में आंसर वही आना है, तरीका आपने दोनों देखा, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपके ऊपर है, और इसी में हम डायरेक्ट भी आपको बताएंगे डायरेक्ट कैसे अवकलन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हो। आइए देखें डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। देखो क्या करना, मैंने क्या किया डायरेक्ट कर लिया, देखो dy by dx लिया, जब कभी भी t मानना है तो क्या करोगे, उधर से आओगे, उधर से मतलब देखो gx पहले t माने फिर f की बारी है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट करना है तो पहले f का करोगे फिर अंदर का करोगे, उल्टा जा रहे देखो, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो कैसे करेंगे डायरेक्ट में, देखो f का क्या करोगे f डैश x, ये एज इट इज रखेंगे, फिर अंदर जाएंगे अंदर का करेंगे g डैश x, ये हो गया डायरेक्ट। इसी तरीके से डायरेक्ट करना है तो हम इधर से चलेंगे, आपको बताते जाएंगे डायरेक्ट भी बताते जाएंगे, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्या दिया है देखो क्वेश्चन, आइएगा पहला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, देखो एंगल में है ना साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या आपको इसका फार्मूला मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है, आप किसका फार्मूला जानते हो, साइन एक्स का फार्मूला जानते हो। क्या एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, हम इस एक्स स्क्वायर के बारे में नहीं जानते, लेकिन अलग अलग करके हम जानते हैं, अलग करेंगे यदि टी सपोज कर लिए, साइन टी के बारे में भी जानते हैं, एक्स स्क्वायर के भी बारे में जानते हैं, फार्मूला जानते को नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो चलिए हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया टी, ये देखो आपको तो मानना है ना, जो डिफरेंट एक्स से डिफरेंट दिखेगा उसको क्या करना है, सपोज करना है टी,
यहां पर टी मानना कोई निश्चित नियम नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा कि इसको टी मानना है, उसको टी मानना है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए प्यारे बच्चों, आइए देखिएगा आपके पास y इज इक्वल क्या हो गया, साइन टी हो गया। अब देखो फार्मूला लगाओ, आपको फिर से वही पाउडर लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। आपने यहां पर dt का गुना किया, dt का भाग किया, dt पाउडर लगाया, यही समझते हैं हम इसको। आइए आगे, आपने क्या किया dy बाई डी टी, और y के प्लेस पर आपके पास है प्यारे बच्चों sin t, और यहां पर dy बाई डी एक्स, और t के प्लेस पर आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर। क्या आप इसका फार्मूला जानते हो? बिल्कुल जानते हो, आपको पता है साइन एक्स का कास एक्स होता है, हमारे पास साइन टी है, तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन टी का कितना हो जाएगा, कास टी हो जाएगा। और दूसरा एक्स स्क्वायर आपको बताया था ना, काउंटिंग टेबल की तरह याद करके चलना, क्योंकि आगे चल करके आपको पूरा मिलने वाला है। आपको पता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता, एक्स पावर 4 होता 4x क्यूब होता, एक्स पावर 5 होता 5x पावर 4 होता, एक्स पावर 10 होता 10x पावर 9 होता। तो आपको पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, आप इसको राइट करोगे 2x। यहां पर देखिएगा 2x हो गया, और ये हो गया cos, और t का वैल्यू वापस डालेंगे, हमको आंसर मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं कॉम्पिटिटिव के लिए है ना बताता हूं आपको, मैं इसको क्या करने वाला हूं, डायरेक्ट करने वाला हूं। तो हमने जब टी माना तो इधर से आया था, याद करो एक्स स्क्वायर को टी माने, फिर साइन टी जो भी आया तो उसका डिफ्रेंशिएशन किए, लेकिन हम अब इधर से चलेंगे। आपने क्या किया डीवाई बाई डी एक्स किया, बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देना, एंगल में जो है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से चल रहे हैं। पहला साइन का करेंगे, पहला साइन का करेंगे, इधर से जा रहे हैं, साइन का करेंगे, साइन का कास होगा, इसको एज इट इज राइट करेंगे एक्स स्क्वायर को। अब साइन का काम हो चुका है, साइन का काम हो चुका है, एक्स स्क्वायर का काम करना है, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा प्यारे बच्चों, 2x होगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट किया जा सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा है वाई इज इक्वल, ये देखो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में अंतर आया कि नहीं आया, पहले एक्स स्क्वायर एंगल में बैठा था, अब पूरे का होल स्क्वायर आ गया। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, इसको हम कहते हैं साइन एक्स टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिए आप किसके बारे में जानते हो फार्मूला, साइन एक्स के बारे में, तो क्यों ना साइन एक्स को टी मान लिया जाए। आपको पता है यहां पर साइन एक्स को क्या सपोज करेंगे, टी सपोज करेंगे, टी मानेंगे, तो वाई इज इक्वल आपके पास होगा बच्चों टी स्क्वायर। y इज इक्वल टी स्क्वायर हुआ, आपने देखा y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपने क्या माना, साइन एक्स को टी माना, साइन एक्स को टी माना, आपको मिला y इज इक्वल टी स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया dy बाई डी टी, और ये हो गया dt बाई डी एक्स। हुआ कैसे हुआ, समझ में आया, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, डी टी का गुना डी टी का भाग किया, डी टी पाउडर लगाया, डी टी को हटाइएगा, वापस चेहरा पाइएगा। आइएगा देखिए यहां पर, देखो प्यारे बच्चों डी बाई डी टी वाई की वैल्यू कितना है, देखो वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है टी स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स टी का वैल्यू कितना है साइन एक्स है, और इस तरीके से ये फार्मूला में बैठ गया, फार्मूला में सेट हो गया। आपको पता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर है nx n माइनस वन होता है प्यारे बच्चों, और sin t का होता है cos t, sin x का cos x। तो इस तरीके से t स्क्वायर का क्या मिल गया 2t, और sin x का क्या मिल गया cos x। अब क्या करोगे, t का वैल्यू डाल दो भाई, तो t का वैल्यू आपके पास कितना है sin x है, वापस डाल दिए। आपने क्या ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में पढ़े हो, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या जानते हो, 2 sin थीटा cos थीटा, जानते हो नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो 2 sin x cos x का होता है प्यारे बच्चों, ये होता है sin 2x, ये इस तरीके से इसका अवकलन होता है। समझ में आया सबको, बिल्कुल आया होगा। अभी और देखते हैं प्यारे बच्चों आगे क्या है, हो गया सबका। चलिए अब जैसे हमारे पास y इज इक्वल e टू दी पावर कितना है sin x, चलो क्या e का मतलब क्या समझते हो, चर घातांकी फलन के बारे में जानते हैं हम लोग, ये e पावर sin x है, हम e पावर x के बारे में जानते थे, हमारे पास e पावर sin x है, x के प्लेस पर sin x आ गया प्यारे बच्चों, तो sin x को हमको क्या करना होगा, इस sin x को t मानना होगा,
आपके पास y इज इक्वल e पावर कितना हो गया, यानी आपने इस sin x को क्या सपोज किया t, आपको मिला e पावर कितना t, आपको मिला कितना e पावर t। अब देखो फिर से वही लगाएंगे, dy by dx इज इक्वल dy by dt इनटू कितना हो गया प्यारे बच्चों dt by dx। फार्मूला वही लग रहा है, बार बार याद रखिएगा। देखिएगा आपको मिला d by dt, y के प्लेस पर आप क्या रखोगे e पावर t, और t के प्लेस पर आप क्या रखोगे प्यारे बच्चों sin x रखोगे। आपके पास e पावर t है, e पावर t का क्या जानते हो, e पावर t जानते हो, और sin x का क्या जानते हो, cos x। और इस तरीके से आपको आंसर मिल चुका है, t का वैल्यू डाल दीजिएगा, वापस t का वैल्यू डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? केवल क्या कर रहे हो आप, x के प्लेस में देख रहे हो, x के प्लेस में कोई दूसरा है, x के प्लेस में कोई दूसरा है तो हम उसके प्लेस पर है ना t मान करके उसको क्या कर रहे हैं, फार्मूला मिला रहे हैं। बस प्रारंभिक सूत्र याद रखना है, आपके पास 13-14 फार्मूला है, उसको याद रखिएगा, फिर पूरा उकरण आराम से बनने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको। नेक्स्ट, y इज इक्वल कितना हो गया log of log sin x। बच्चों यदि बेस में कुछ नहीं दिया है तो आप मान लो e है, बेस में कुछ नहीं दिया है तो मान लो e है। आपको पता है log x का उकलन क्या जानते हो आप, 1/x जानते हो। ये देखो अब यहां पर ध्यान दो, क्या log sin x जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते, ओनली sin x जानते हो। आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, पहले sin x को क्या मान लो, टी मान लो। आपके पास क्या आया देखो, लाग और लाग ऑफ टी आ गया। क्या इसका फार्मूला है आपके पास लाग लाग टी का? बिल्कुल नहीं है। क्या करना होगा, इस लाग टी को डबल मानना पड़ेगा। तो फिर मान लेते हैं यू टी, तो मान लिए लाग टी को क्या मान लिया गया, यू। आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये हो गया लाग यू। अब देखो दो बार माने हो, याद रखना है कितने बार माने हो, एक बार टी और एक बार यू। पहले किसको माने हो, टी को, उसके बाद किसको माने हो, यू को। लेकिन जब राइटिंग करेंगे, जब लिखेंगे तो पहले यू के लिए फिर टी के लिए। वापस आ रहे हैं ना, वापस आ रहे हैं। देखिएगा कैसे, आपने डी वाई बाई डी एक्स किया, सबसे पहले डी यू पाउडर लगाया, फिर डी टी क्रीम लगाया, ये हो गया डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। आपने डी यू का गुना भाग किया, फिर डी टी का गुना भाग किया, माने थे पहले टी को फिर यू को, लेकिन लिए पहले यू को फिर टी को। अब देखो ये बदल गया, आपने क्या किया, वाई के प्लेस पर क्या रखा प्यारे बच्चों, लॉग यू डी बाई डी टी, यू के प्लेस पर क्या रखा आपने लॉग टी, और टी के प्लेस पर आपने क्या रखा प्यारे बच्चों, टी के प्लेस पर आपके पास आ गया साइन एक्स। अब देखिए इसको, अब देखिए इसको क्या फार्मूला में आ गया, बिल्कुल आ गया। आपको पता है लॉग एक्स का फार्मूला, आपको पता है लॉग एक्स का फार्मूला, आपको पता है साइन एक्स का फार्मूला। क्या जानते हो, लॉग एक्स का जानते हो 1/x, साइन एक्स का जानते हो कॉस एक्स। तो यहां क्या आ जाएगा 1/u, यहां क्या आ जाएगा लॉग टी का 1/t, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स आ जाएगा आपको। ये देखो टी, यू का वैल्यू आपके पास कितना है देखो लॉग टी, अब टी का वैल्यू डालिएगा, टी का वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, टी के प्लेस पर साइन एक्स है, और इस तरीके से आपको आंसर मिल चुका है। अब इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट एक्स जानते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है क्या, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए हो गया सबका। चलो बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्पीड करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल log 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 x। देखिए log 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 x बिल्कुल है, क्या आपको पता है इस log x को क्या मानेंगे, t। y इज इक्वल अभी तो माने थे log log t, लॉग टी को क्या मानोगे प्यारे बच्चों, यू। वाई इज इक्वल क्या हो गया, लॉग यू। क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स लेना है, फिर से वही काम करना है, डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स आपको लेना है बच्चों, डी बाई डी यू। वाई का जो चेंजिंग वैल्यू है उसको रखना है, हमेशा याद रखना
यहां पर कहीं गलती हुआ, आपने गलत किया, तो आपको पता चल जाना है कैसे। यदि U है तो DU रहेगा, यदि V है तो DV रहेगा, यदि T है तो DT यानी DYDT रहेगा, ये आपको देखना है। तो आपके पास U है तो DYDU है। यहां पर क्या हुआ, DYDT है, U के प्लेस पर आपने क्या रखा, लॉग T रखा, और यहां पर हो गया प्यारे बच्चों DYDX है। T के प्लेस पर कितना है, लॉग X है, T के प्लेस पर कितना है, लॉग X है। अब क्या करना है, देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको करना है ये log u का डिफरेंशिएशन करना है 1 upon u, log t का डिफरेंशिएशन करना है 1 upon t। log u का अवकलन होता है, log u का अवकलन होता है बच्चों u होता है 1 by u होता है, log t का अवकलन होता है 1 by t होता है, log x का अवकलन 1 by x होता है। सबका अवकलन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। u का वैल्यू क्या है आपके पास, u का वैल्यू क्या है आपके पास, log t, और t का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, x, ये हो जाएगा log x और log log x, ये आपका आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। देखिए 1 upon x log log x, ये आपको आंसर मिल चुका है। तो जल्दी नोट डाउन करेंगे, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों y इज इक्वल हमारे पास है log, ये हो गया 10, ये हो गया pi by 4 प्लस एक्स बाई टू। हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। भाई आप क्या जानते हो साइन एक्स के बारे में, कॉस एक्स के बारे में, लॉग एक्स के बारे में, ए पावर एक्स के बारे में, डिफरेंट का तो जानते नहीं हो। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि सबको फार्मूला के फॉर्म में लाना। आइए फार्मूला के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको पूरे को क्या सपोज कर लिया जाए प्यारे बच्चों, टी सपोज कर लिया जाए, इसको आप टी मान लो। आपके पास क्या हुआ y, ये हो गया log, ये हो गया 10, ये हो गया t, आपको लेना है 10t को u लेना है u, क्योंकि इसके बारे में भी नहीं जानते। अब तो बाकी सभी तो अलग अलग हो गया, आप log u का भी फार्मूला जानते हो, आप 10t का भी फार्मूला जानते हो, आप इसका भी डायरेक्ट है ना कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, dy by dx मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष अवकलन हो गया, dy by dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, देखो इसको राइट करेंगे dy by du, ये हो गया बच्चों dy by dt, और ये हो गया dt by dx। चलो अब इसको क्या करो, d by du, y के प्लेस पर कितना है, log u, d by dt, u के प्लेस पर कितना है 10t, d by dx, t के प्लेस पर कितना है pi by 4 प्लस कितना x by 2। ठीक, अब यहां पर देखिएगा u के सापेक्ष अवकलन करोगे, log u का कितना हो गया 1 upon u हो गया, 10t का कितना हो गया प्यारे बच्चों 1 upon t हो गया, d by dx pi by 4 plus x by 2, ये d by dx अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके अंदर ले जाइएगा, तो pi by 4 अचर है, अचर अकेले है तो 0 होता है, अचर अकेले है तो 0 होता है, और x by 2 में 1 by 2 अचर है और x वेरिएबल है, तो x का 1 होगा, 1 by 2 रिमेनिंग होगा, बचा रहेगा। आपको मिला प्यारे बच्चों 2TU, चलो रखो वैल्यू 2TU का वैल्यू पहले डालिएगा 10T, अब T का वैल्यू रखिएगा तो 2T का वैल्यू क्या है pi by 4 प्लस कितना x by 2, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, ये हो जाएगा pi by 4 प्लस कितना x by 2। चलिए ये आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा, आपने डिफरेंट देखा, आपने क्या किया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू को टी माना, जब टी माना तो वाई इज इक्वल कितना हो गया लॉग 10t हो गया, यहां पर 10t को आपने यू माना, वाई इज इक्वल क्या हो गया प्यारे बच्चों लॉग यू हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, आपने फार्मूला अप्लाई किया। देखिए y के प्लेस पर लॉग यू हुआ, u के प्लेस पर क्या होगा 10t हुआ, और t के प्लेस पर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हुआ। आपने इसका log u का अवकलन किया, u के सापेक्ष अवकलन किया 1 by u हो गया, 10t का t के सापेक्ष अवकलन किया, हाँ यहां पर गड़बड़ है, देखिए 10t का अवकलन log t नहीं है भाई, 10t है, तो 10t का होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर t होता है, 10t का क्या होता है sec स्क्वायर t होता है, d by dx pi by 4 plus x by 2। ठीक है, तो यहां पर इसके कारण थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए sec स्क्वायर t, और ये हो गया, अब आपके पास देखो sec स्क्वायर t है 2,
अब यू का वैल्यू कितना है, 10t है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1/5 sec² t का क्या हो गया प्यारे बच्चों, cos² t इंटू 1/, यह हो गया sin t / cos t। चलो एक cos t को कैंसिल करो तो आपको क्या मिला, 1/2, और ये हो गया sin t, और ये हो गया cos t, आपको मिल गया 1/sin 2t, फार्मूला में आ गया, तो ये हो गया cosec 2t, और 2t का t का वैल्यू डाल दो, cosec 2π/4 प्लस कितना x/2। चलो अब इसको ले जाओ अंदर, तो क्या हो जाएगा, cosec 2 जाएगा तो ये आ जाएगा π/2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा x। आपको पता है बच्चों cosec 90+θ ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव होता है और आपको मिलेगा सेक एक्स। मतलब सेक एक्स का आपने देखा, यहाँ पर देखो log 10π/4 + x/2 का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका टाइप देख लेते हैं। अब देखिएगा जैसे हमारे पास y इज इक्वल कितना हो गया, log√sin x। आपको पता है प्यारे बच्चों log का फार्मूला, log m/n, क्या जानते हो आप, n log m, log m × n, log m + log n, log m/n, log m - कितना, यह हो गया log n। क्या करेंगे इसको, आप क्या करोगे, इसको पूरे का ऐसा पावर राइट कर सकते हो, स्क्वायर रूट है तो power 1/2 तो होता ही है। अब क्या कीजिएगा, इसको 1/2 को इसी फार्मूला से देखो, log m/n है, log m है, तो 1/2 log sin x, साइन एक्स का अवकलन कीजिएगा पहले, तो साइन एक्स को टी मानिए क्योंकि लॉग साइन एक्स है, आपको क्या मिलेगा 1/2, ये हो गया लॉग टी। अब यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, dy/dx = dy/dt, dt/dx, तो हम इस पूरे को क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, देखो dy/dx = dy/dt, y का वैल्यू क्या है, 1/2 लॉग टी इंटू dy/dx, टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। चलिए 1/2 बाहर हुआ, लॉग टी का क्या हुआ, 1/t, साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स। चलिए तो cos x/2, टी के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों, साइन एक्स, तो कितना आ गया 1/2, यह आ गया cos/sin, काट होता है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, हो गया ये, y = sin x degree, x अंश में दिया है, डिग्री में दिया है, तो क्या जानते हो आप, x डिग्री इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों πx/180 रेडियन, जानते हो, बिल्कुल जानते होगे, y इज इक्वल होता है साइन, ये क्या हो जाएगा, πx/180 रेडियन, इसका अवकलन करना है, तो आपको तो पता है, आप साइन x के बारे में जानते हो, x के जगह में हमारे पास क्या है, x के प्लेस पर πx/180 रखा है, x के प्लेस पर πx/180 रखा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करोगे, πx/180 को टी मानोगे, πx/180 को t मानोगे, आपको मिलेगा कितना, साइन t। अब इसका क्या करो, फिर से वही डिफ्रेंसिएशन करना है प्यारे बच्चों, तो dy/dt, dt/ कितना हो गया, dx, काम तो वही करना है, ये हो जाएगा y का साइन t, dy/dx t का हो गया πx/180, ओके। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपको पता है साइन t का क्या होता है, cos t। अब इसमें देखो, यदि कोई अचर किसी चर के साथ में है तो अचर को कॉमन निकाल लेते हैं, और यदि अचर अकेले है तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, हम इस अचर को बाहर करेंगे, यह होगा d/dx x,
तो आपको क्या मिला, x का 1, ये हो गया cos t, ये हो गया पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, अब t का वैल्यू रखिए, रेडियन में रख दिए, फिर डिग्री में रख देंगे, x डिग्री, ये इस तरीके से करना है। बच्चों समझ में आया होगा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गया सबका। देखो साइन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 5। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मानो, टी। वाई इज इक्वल कितना होगा, साइन टी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना है, dy dt, y के प्लेस पर क्या रखिएगा, साइन टी, dy dx, x स्क्वायर प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5। साइन टी का क्या होता है, cos t होता है, और x स्क्वायर का कितना हो गया, अंदर ले जाएंगे 2x प्लस कितना, 0, आपको मिल गया 2x, और cos t का वैल्यू डालिएगा, x स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 5। बच्चों समझ में आ रहा है सबको, चलिए और भी देखते हैं, हो गया सबका। चलो y इज इक्वल नेक्स्ट है साइन 10 रूट एक्स। अब यहां पर देखो, सबसे पहले रूट एक्स को क्या मानिए, t, आपके पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, साइन 10 t, अभी भी 10 t को मानना है u, साइन u, dy बाई dx, du, du बाई dt, dt बाई dx, करना वही है सब, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है प्यारे बच्चों। साइन u, u के प्लेस पर रखिएगा 10 t, और t के प्लेस पर रखिएगा प्यारे बच्चों रूट एक्स। चलो साइन यू का कास यू, टेन टी का सेक स्क्वायर टी, रूट एक्स का फॉर्मूला कितना याद रखिए, 1/2 रूट एक्स, आपको मिल चुका है कास यू के प्लेस पर क्या रखेगा, टेन टी सेक स्क्वायर टी कास 10, टी के प्लेस पर क्या रखेंगे, रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो किस तरीके से बन रहा है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। मुझे उम्मीद है मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा एग्जाम के आते आते उसके पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। यहां पर मैं 11th का, 12th का, अभी इवन बीएससी का भी क्लास देने वाला हूं, बी और बीसीए का भी क्लास देने वाला हूं मैथमेटिक्स में। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको जरूर देखते रहिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मेरा ये लेक्चर जरूर काम आएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ, है ना, कि आप मेरा जो लेक्चर है उसको देखें और मुझे मेरा मतलब हौसला बढ़ाइए, इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूं प्यारे बच्चों। बस ऐसे ही देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है क्या होगा, आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।